नमस्ते, आपका इस नए सतोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज जो मैं विषय में बात कर रहा हूँ लिटरेचर फेस्टिवल्स के, भारत में बहुत हो रहे हैं, अमेरिका में बहुत हो रहे हैं, और हमारा सतोलॉजी का लिटरेचर फेस्टिवल होगा, लिटरेचर फेस्टिवल होगा अगस्त 24-25 को सैन डिएगो में। वहाँ पर जरूर जुड़िए, हम लोग को स्पॉन्सर करिए, पैनल्स को स्पॉन्सर करिए और हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट आवर सेल्स। हमारे बारे में बात करना हमको जरूरी है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं स्वधर्म, स्वभाव, स्वेच्छा, बहुत सारे शब्द हैं स्व वाले, इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सुनते हैं किसी लिटरेचर फेस्टिवल में सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसिज्म, ये सब तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के लिए है। एक ही देश ने या ग्रुप ऑफ नेशंस ने, वेस्ट मतलब यूके और यूएसए, यही वेस्ट है, बाकी सब वेस्ट नहीं है, बाकी सब कॉलोनीज है, इंक्लूडिंग यूरोप भी कॉलोनी है एक तरीके का, उनका खुद का कॉलोनी है, चर्च का बनाया हुआ कॉलोनी है। तो ये सब तो वेस्टर्न है। आप सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में सुनता हूं वामपंथी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, अरे भाई ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म में बायां विंग दायां विंग नहीं है कोई भी, दोनों विंग की जरूरत है, दोनों हाथों की जरूरत है, तभी समाज चलता है। हमारे यहाँ तो एक ही विंग है, धार्मिक विंग, जो वेदों के अनुसार धर्म है और वेदों के विपरीत है अधर्म है। सिंपल सा परिभाषा, धर्म है अधर्म है। धर्म से सुख शांति समृद्धि होती है, अधर्म से आतंकवाद होता है और स्त्रियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, जवानों पे सब पे अत्याचार होता है। हमारे लड़कों के ऊपर हम भूलना नहीं चाहिए, लड़कों को भी सनातन धर्म में सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही सिर्फ फोकस नहीं होता, लड़कों को भी फोकस है। हम लोगों ने क्या कर दिया, यंग शुड डाई, यंग मैन शुड डाई, एवरीबडी एल्स शुड लिव, फुलिश कॉन्सेप्ट, स्टेबल सोसाइटी नहीं बनेगा। अब एक्सट्रीम केस में वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, मैन आर ईवल। अभी आजकल नया डायलॉग चल गया, ब्राह्मण ईवल है, ये भी नया चल गया। और ये राइट विंग के लोग बात करते हैं, मैं किसी विंग में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ये सो कॉल्ड राइट विंग के लोग हैं, अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट मान के चलते हैं, हर चीज में इनकी राय होती है, सारा इंफॉर्मेशन इनका गलत होता है और फिर भी अब बोलते रहते हैं। नो एनालिसिस, कंप्लीट पैरालिसिस। अब मैं आपको नेटिव अमेरिकन के विषय में बात करता हूं, क्योंकि वो मेरा विषय है। 3000 वर्ष पहले, अगर आप एक पिक्चर देखें मेरे स्क्रीन पे, ये जो पिक्चर है जूम करके मैं दिखाता हूँ क्योंकि कैमरे का इतना सेटिंग नहीं और हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी इज वेरी लिमिटेड प्रोडक्शन सेटअप। तो यूटा में पेंटिंग मिली थी, बड़ा उसमें है कि जो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न जो अमेरिका है, मैं पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, क्रॉन्च द्वीप की बात कर रहा हूँ जो कि अलास्का से लेकर मेक्सिको तक आता है, ये पूरा क्रॉन्च द्वीप है। यहाँ के पश्चिमी तट पे ज्यादातर नागों की पूजा बहुत की जाती है, सर्पों की पूजा बहुत की जाती है, इसलिए आपको हर जगह सर्प मिलेंगे और सर्पों को सेक्रेट भी माना जाता है। हम शास्त्रों में देखते हैं नाग लोग, नाग कन्या बहुत सुनते हैं हम लोग, उसी को लोग कभी कभी मरमेड भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये बड़ा कॉमन टॉपिक्स है। और बाइबलिकल मिथोलॉजी में तो आपको हर जगह वैसा मिलता ही रहेगा, मतलब वहाँ पे तो सब नकली लिखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत पुरानी पिक्चरें हैं, ये पिक्चरें आई हैं बड़ी पुरानी पिक्चर्स है ये, जो रेयर भी हैं काफ़ी। ये इस बुक का नाम है द स्पिरिट वर्ल्ड, ऑथर का नाम मुझे पता नहीं है, ये बुक मुझे लाइब्रेरी से मिली। और इसमें तो ये जो बताते हैं कि यूरोपियंस की जब वो आए तो बैकवर्ड थे, अनसिविलाइज थे। अगर आपको मैं बताऊं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज हाईएस्ट बिफोर यूरोपियन सेटलर्स केम टू यूरोप, टू नॉर्थ अमेरिका, और अभी भी ज़्यादा है। और ज़्यादातर बीमारियां पड़ती हैं सेटलर यूरोपियंस को, उनके लिए फ्लू वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, सारी वैक्सीन लगानी पड़ती हैं ताकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि वो लोग यूरोप के रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और ठंड में ही वो लोग नॉर्मल रह पाते हैं। तो लेकिन फिर भी उनको हर तरह की बीमारियाँ बड़ी आसानी से लगती हैं। अच्छा, हम लोग भोजन के विषय में बात कर रहे हैं, जो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बहुत बात करते हैं, तारीफ करते हैं एनालिस्ट, उनको मेरा उत्तर देता हूँ। 17वीं शताब्दी में भूखमंगी थी यूरोप में,
इसीलिए वो लोग जगह जगह ढूंढ रहे थे। 19वीं शताब्दी तक रही, कुछ कुछ जगह पे 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी रही। अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये सब इधर लिखा हुआ है। 1912 में जब ये लोग साउथ वेस्ट में आए तो इन लोगों ने इतना भोजन कभी देखा ही नहीं था। मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, भारत का तो छोड़ दीजिए, भारत का तो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है। और किसकी वजह से? ब्राह्मणों की वजह से है। हमारे जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं जो गाली देते रहते हैं ब्राह्मणों को, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि वो स्वयं मूर्ख है। अब ये मानिए, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण जिसका काम है पठन पाठन यजन याजन दान यज्ञ क्रिया, अगर उसका कार्य ये है, इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है। अंग्रेजों ने क्यों बोला ब्राह्मण खराब है? उनको डर था कि ब्राह्मणों की वजह से हम क्षत्रियों को वैश्यों को शूद्रों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण पूरे समाज की रक्षा करता है। उसका काम है बुद्धि के द्वारा, उसका कार्य ये है पठन पाठन यजन याजन। तो बच्चों को स्कूल में डाल दो मिशनरी, मतलब ब्राह्मण को रिप्लेस कर दो और मलेच्छ बन जाए ब्राह्मण, ये तो काम है। कार्य तो छूटा नहीं, दोनों ब्रह्म कर्म है, लेकिन रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया उसका आउटकम? गुलाम। आजकल हमारे जैसे चैनल्स हैं या बहुत सारे हमारे जैसे चैनल्स हैं जो हम लोग ये सब काम करते हैं आपको रियल हिस्ट्री दिखाने का, डीबंकिंग मिथोलॉजी। ये सब मिथोलॉजी, सब झूठ बताया गया आपको, हमको सबको बताया गया ये इन्वेंशन किया थॉमस एडिसन ने, ये ने। अरे भाई, कारीगर तो टूल बनाता है, उसका यूज कौन करता है? वैश्य यूज करता है, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, क्षत्रिय यूज करता है, वॉरियर, ब्राह्मण यूज करता है, टीचर। लेकिन टूल तो कारीगर बनाएगा ना, तो शूद्र कैसे खराब हो गया? इनफैक्ट दे आर द रिचेस्ट पीपल, मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास ही बोला जाता है उनको। बोलते हैं अमेरिका में आए तो कैसे बहुत ही बेकार, मतलब उनका कोई डेवलपमेंट नहीं था। अब मुझे बताइए, एक यूरोपियन इस बोट पे बैठा हुआ है, चला रहा है बोट, उसको नौकर की तरह इसको जॉब दी हुई है। तो बोट्स है, बड़ी अच्छी बोट्स है, आज भी ये बोट्स चलने लायक है, सच गुड क्वालिटी ऑफ बोट्स दे मेड। ये एक बोट कब की है? हुपा मैन वेट क्रॉसिंग द ट्रिनिटी रिवर इन द डगआउट कैनोज, और ये 1898 की पिक्चर है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्ट कोस्ट में 1898 की पिक्चर है। और एक पहाड़ का नाम है द करॉक बिलीव, करॉक मतलब क्रॉन्च के जैसे आ रहा है, द कोन शेड माउंटेन कॉल यूच एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्लामाथ एंड सालमन रिवर्स टू बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, डाउन रिवर दे होल्ड द रिचुअल टू ऑनर द फर्स्ट सालमन कैच। मछलीबाजी करते हैं मछली, ये मछुआरे हैं सबके सब। तो द पॉइंट इज, देखिए भोजन करने की स्वतंत्रता रहती है, जैसे लोग है वैसा रहेगा, हर जगह आप एकदम उच्च कोटि का वैदिक कल्चर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे सभी लोगों के लिए सनातन धर्म है, सभी मनुष्यों के लिए है। तो कोई एक स्तर पे है, फिर एक दूसरे स्तर पे जाता है, फिर तीसरे स्तर पे आता है, ऐसे करके उसकी प्रगति होती है। लेकिन मुख्य पूजा, तो ये पूजा पद्धति, भोजन और भाषा, इन तीन चीजों से आप संस्कृति समझते हैं, है ना। धर्म और संस्कृति में फर्क है। संस्कृति धार्मिक भी हो सकती है, संस्कृति अधार्मिक भी हो सकती है। जैसे जब नेटिव अमेरिकन की संस्कृति पे चर्च ने आघात किया, चर्च ने आक्रमण किया, रोमन कैथोलिक चर्च ने, तब वो बन गई अधर्मिक, क्योंकि स्वधर्म से लोग दूर चले गए। अभी उससे क्या होता है, स्वधर्म से लोग दूर चले जाते हैं तो आर्टिफिशियल पॉवर्टी क्रिएट होती है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ अर्बन पॉवर्टी, कि वहां पे आप जितना ज्यादा स्वधर्म से दूर रहेंगे तब पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा स्वधर्म के पास रहेंगे पॉवर्टी वहां से रिड्यूस हो जाती है। जैसे जो कार्य आपको करना अच्छा लगता है या जिसमें आपकी रुचि है, वही आपका स्वभाव है, वही आपका गुण है, और वही आपको प्रकृति या पिछले कर्म से आपको मिले हैं, तो उस कार्य में अगर आप करेंगे, चाहे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आत्मसंतुष्टि जरूर रहेगी कि आप सही कार्य कर रहे हैं। सफलता असफलता तो वो उसके अलग कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये जीवन है इन लोगों का। और अच्छा, शमन को बोला गया गलत, हम सुनते हैं भारतीय एनालिस्ट से सुनते हैं शमन,
अरे भाई श्रवण तो सनातन धर्मी है। कैसे सनातन धर्मी है? ये पेड़ों को दिव्य पवित्र मानते हैं, हम लोग भी नीम पेड़ को पवित्र मानते हैं, नीम, पीपल, बरगद, यहाँ पे पिरूल, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पिरूल को सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो इनको शमन बोला जाता है, जो नेचर के बेसिस पे आपके लिए समाधान ढूंढे, जो उन्होंने सीखा है पिछले। इनका डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने सीखा अपने माता पिता से वैसा आपको करते हैं लोग। सो ये इनको पवित्र माना जाता है। तो शमन को उन्होंने बोल दिया चर्च ने कि ये तो ईवल है, ईवल स्पिरिट्स। सबसे बड़ा ईवल स्पिरिट्स तो वो है, खुद ही है, जिन्होंने लोकल कल्चर्स को मार दिया। इनके जितने पादरी थे तलवार या आर्मी के लोग थे, और बंदूक या तलवार के बल पे लोगों को कन्वर्ट किया, इतना बुरी तरह डराया कि आज भी लोग कन्वर्टेड हैं, फॉलो कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सबका रुझान संस्कृति, मतलब भारतीय हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि इट इज़ नेचुरल टू लिव ऑन द नेचर। सूर्य की उपासना करना, चंद्र की उपासना करना, नदी की पूजा करना, ये स्वाभाविक है क्योंकि वो जीवन स्रोत रहे। बट आपको ये बात कभी भी लिटरेचर फेस्टिवल से सुनने को नहीं मिलेगी। इस तरह कोई भी ऑथर्स आपको लिटरेचर फेस्टिवल से नहीं बुलाए जाते। सामाजिक, अभी मुझे बताइए कि हम कितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़े या पीछे हटे। अगर हम पास्ट ही सोचते रहे तो फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा? तो हमारे शोज में हम पिछले हिस्ट्री पे तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर कैसे हमको आगे लेके जाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर तो दुनिया का योग है, फ्यूचर सनातन धर्म है, फ्यूचर हिंदुइज्म है, फ्यूचर हिंदू कल्चर है और हिंदू हिस्ट्री है। अब कोई मुझे बात करता है कि अभी जैसे ये सब लोग हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन सब लोगों की जो फेसेस है, स्किन कलर है, डार्क है, भारतीयों के जैसा है या फिर साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के जैसा है, और थोड़ा सा पहाड़ी मिक्सचर है। नेपाल में आपको ऐसा फेसेस मिलेंगे, आपको वेरी कॉमन। दिस इज द ओरिजिनल अमेरिकन्स, इनके बारे में कहीं बात नहीं होती। हम लोग तो मैं थोड़ा बहुत टच करता हूँ, थोड़ा बहुत ही 0.01% में टच करता हूँ। और यहाँ पे किसके नाम है, मेडिसिन वुमेन, मेडिसिन वुमेन, मेडिसिन मैन, फीमेल शमन। ये जो महिला है ये फीमेल शमन, मतलब ये जो है ये महिला पुजारी है, और ये जो ओल्ड सोफी है ये महिला डॉक्टर है, महिला डॉक्टर शमन। वेस्टर्न मेडिसिन सिस्टम इनको क्यों बैन किया? ताकि उनका आमदनी उनका बढ़े, फिर उनका सेल्स बढ़े। सो व्हेन द यूरोपियंस जब यहां पर आए, सेटलर यूरोपियंस, ऑलरेडी दीज पीपल हैड मोर एडवांस्ड कल्चर्स देन यूरोपियन सेटलर पीपल हु केम हियर। वुमेन वर प्रीस्ट, वुमेन वर मेडिसिन पीपल, वुमेन वर लीडिंग द प्रोफेशन। ये अमेरिका का कंडीशन है, 1898 की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन 1965 तक कदम नहीं हुआ था। तो देखा जाए तो अमेरिका में वास्तविक आजादी, यूएसए की बात कर रहा हूं, वो 1960 भारत के बाद हुई है। 1925 में नेटिव अमेरिकन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको यूएसए नाम के एक आर्टिफिशियल स्टेट ने उसको सिटीजनशिप दी। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र ऐसे हैं अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से बाहर है, एज पर द ट्रीटी ऑफ 1873, ट्राइबल फेडरली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी। इसीलिए आप साउथ डकोटा, उटा, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं मैन ने, और मैन MAIN मैन एंड न्यू इंग्लैंड, वहाँ पर बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं जो अभी भी नेटिव के हाथ में है, जिसके ऊपर सेटलर गवर्नर्स दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग अगेंस्ट दो स्टेट, और जबकि स्टेट इतना पावरफुल हो चुका है यहाँ पे। अभी देखिए होपी स्नेक है ना, ये इसके पुजारी हैं सर्प के। तो ये बोलना कि नेटिव अमेरिकन के पुजारी नहीं थे या नेटिव अमेरिकन के पास कल्चर नहीं था, बिल्कुल गलत है। इस विषय में किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल में बात नहीं होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली सनातन धर्म से कनेक्टेड है। हमको ऐसे दिखाया जाता है कार्टून कैरेक्टर में कि ऐसे ये पहनते थे मास्क। इन मास्क को पहनने का एक पर्पस था, जैसे कि अगर किसी ने ईगल मास्क पहना हुआ है, मतलब वो पक्षी की पूजा करता है या पक्षियों की शक्ति में विश्वास करता है। हमारे यहाँ गरुड़ की पूजा होती है। किसी ने इसमें
शेर का मास्क पहना हुआ है, शेर तो उधर होता नहीं तो कैसे शेर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दीज आर द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ड्रेसेस फॉर स्पेसिफिक अकेजन, ये इनका डेली का वेयर नहीं है। ज्यादातर वेयर होता है पंखों से बना हुआ, ईगल के पंखों से बना हुआ वेयर होता है। सो ये जो कथन है, बड़ी फेमस बुक है ये, बरी माई हार्ट एट वाउंडेड नी, बरी माई हार्ट एट वाउंडेड नी, जरूर देखिएगा इस पुस्तक को, ठीक है। बरी माई हार्ट एट वाउंडेड नी, द पावरफुल स्टोरी दैट हॉल्ट्स द नेशन, हॉन्ट्स द नेशन, ठीक है। इसमें 1868 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रिजॉल्व्स टू इम्पीच प्रेसिडेंट जॉनसन, है ना, और इसमें वो बोलते हैं द ओनली गुड इंडियन इज अ डेड इंडियन। ये कब की बात हो रही है, ये 1868 की बात हो रही है। यहां पे टोंकास का टॉल बुल जनरल विनफील्ड स्कॉट हैनकॉक को बोलता है, वेरी, आपने नाम सुना होगा हैनकॉक पाथ, हैनकॉक रोड, हैनकॉक स्ट्रीट, सब जगह सुना होगा आपने, है ना। वो बोलते हैं वी नेवर डिड द व्हाइट मैन एनी हार्म, हमने किसी भी गोरे व्यक्ति, यूरोपियन व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। वी डोंट इंटेंड टू, हम करना भी नहीं चाहते। और हमको क्या कहानी बताई गई है, बारबेरिक थे, नेटिव अमेरिकन वर बारबेरिक, टोटली रॉन्ग। दिस इज द ओकेजन रिटन, दिस बुक इज रिटन बाय डी ब्राउन, ओके, एंड ही इज सेइंग, कोटिंग द एग्जैक्ट, ये नेटिव अमेरिकन थॉट प्रोसेस है। तो सबसे पहले सेटलर्स ने अटैक किया, इन लोगों ने डिफेंड किया, मतलब अगर यूरोपियंस आप पे अटैक करें आप डिफेंड करें वो भी गलत है, आप डिफेंड भी नहीं कर सकते, ओके। भारत में भी यही किया, उन्होंने कॉलोनाइज किया, हम आप डिफेंड भी नहीं करेंगे तो उसके लिए एग्रेशन हो गया। और इंडिपेंडेंस के बाद भी किसी भी एक्स कॉलोनी ने अभी तक इनको ठीक से चैलेंज नहीं किया है ना, अमेरिका में भी इनको चैलेंज नहीं हुआ है क्योंकि इनको बड़ा आसानी से इनका हो गया, सिस्टम्स बना लिए, एंड दे आर स्टिल रूलिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये नेटिव अमेरिकन्स का है, टोनास का, टोंकास का, वी आर विलिंग टू बी फ्रेंड्स विद द व्हाइट मैन, ये चीफ बोल रहे हैं। द बफेलो आर डिमिनिशिंग फास्ट, बफेलो नेटिव अमेरिकन्स के लिए खेती भी करते थे, उनका वो दूध भी पीते थे, और साथ में बूढ़े बफेलो को मार के उसको फीस्ट में, फेस्टिवल्स में खाया जाता था। मोस्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स कुड नॉट अफोर्ड मीट, क्योंकि मीट इज एक्सपेंसिव, दीज एनिमल्स वर एक्सपेंसिव फॉर देम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉर्न, बीन और स्क्वॉश इनका भोजन था, जैसे मैं भी अपने घर में उगाता हूं कॉर्न, बीन और स्क्वॉश। एंटेलोप्स दैट वर प्लेंटी इयर्स अगो आर नाउ थिन, किसके बारे में बात कर रहा है कि सेटलर अमेरिकन्स ने, सेटलर जो यूरोपियंस थे उन्होंने इनके बफेलो मार दिए ताकि लोग भूखे मरे, खेती ना कर सके। एंटेलोप जो डियर्स होते थे बहुत ज्यादा होते, उनको मार दिया ताकि लोग भी शिकार ना कर सके, भूखे मरे। और फिर उन्होंने बोला, उन्होंने उनके जो खेती खेती होती थी उधर उन्होंने बारूद लगा दिया। मतलब ये देश जिस तरह कॉलोनाइज छीना गया है नेटिव अमेरिकन से, अगर उसका इतिहास दुनिया को वास्तविक में पता लगे तो सारे सैंक्शंस दुनिया, हम लोग बड़े रोते हैं लोग पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, अरे जो इधर हुआ वो तो 10 गुना ज्यादा है यहाँ पे जो हुआ लोगों के साथ, उसके बारे में आज तक बहुत ही कम लोग बात करते हैं। वो चीफ बोल रहे हैं व्हेन दे शैल ऑल डाई वी विल बी हंग्री, वी शैल वॉन्ट समथिंग टू ईट एंड वी विल बी कंपेल्ड टू कम इन टू योर फोर्ट, आपने हमारे सारा भोजन खत्म कर दिया तो हमें जो आपके किले हैं, जो सेटलर्स आते थे इतने डरपोक होते थे, क्या करते थे ये लोग, फोर्ट बनाते थे, फोर्ट, फोर्ट नॉक्स, फोर्ट रूसो, अनेक फोर्ट्स हैं, आजकल आर्मी कैंप्स का नाम फोर्ट होता है, ये बनाए जाते थे सेना की छावनियां जहां पे लोग ग्रुप में रहते थे। यहीं से सिटी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसके पहले इतने बड़े बड़े सिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं था क्योंकि वो अनटेनेबल है, उसके लिए आपको सेंट्रलाइज वाटर चाहिए, सेंट्रलाइज सीवेज सिस्टम चाहिए, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, और लोगों का टैक्स इतना बर्डन हो जाएगा कि लोग पे नहीं कर पाएंगे। सो द करेंट इकोनॉमिक मॉडल एंड इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम इज अनटेनेबल फॉर लॉन्ग रन,
क्योंकि वहां पे आपको यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट. हम देखते भी हैं हर जगह अर्बन पॉवर्टी कितनी खराब होती है, कितना प्रेशर रहता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को मेंटेन करना, सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है वो. और योर यंग मैन मस्ट नॉट फायर एट अस, वो विनती कर रहे हैं तुम्हारे लोग हम पर गोली ना चलाएं, हम भोजन के लिए आ रहे हैं. व्हेनेवर दे सी अस दे फायर, जब भी हमारी ओर देखते हैं वो गोली चला देते हैं. एंड वी देन वी फायर ऑन देम. तो यूरोपियन सेटलर्स वर एक्चुअली बारबेरियंस एंड द इंडियंस वर डिफेंडर्स. अटैक्स आर ऑलवेज डन बाय द यूरोपियन सेटलर्स, नॉट बाय द डिफेंडर्स. ओके, ये कौन बोल रहा है? टोंकास का. अब एक और सुनिए. वोकिनी बोल रही है जनरल स्कॉट हैनकॉक को, आर नॉट वुमेन एंड चिल्ड्रन मोर टिमिड देन मेन? क्या औरत और बच्चे थोड़ा डरते पुरुषों से ज्यादा डरपोक नहीं, मतलब सिंपल नहीं होते, डरपोक नहीं होते? द चैन वॉरियर्स आर नॉट अफ्रेड. हम लोग चैन वॉरियर्स हैं, हम लोग डरते नहीं हैं. आपने सैंड क्रीक नहीं देखा? अच्छा, सैंड क्रीक का जो मसाकर है उसके बारे में आपसे मैं अलग शो में बताऊंगा, कितना भयंकर मसाकर है वो, मतलब नृशंस हत्या की गई, लेकिन वहां पे नेटिव अमेरिकन जीते. ये पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कहानी है, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन. जो अत्याचार यूरोपियंस ने इधर किया वो शब्दों में हम बता नहीं सकते. और अपने आप को ये लोग सिविलाइज बुलाते हैं, आपको बोलते हैं कांटे छुरी से खाओ. और आपको एक और बता दूं कि ओनली नोबल्स वर अलाउड टू ईट विद अ फोर्क अर्लियर. तो कास्ट सिस्टम ब्रिटेन में आज भी चलता है. योर सोल्जर्स लुक जस्ट लाइक दोज हु बुचर्ड द वुमेन एंड चिल्ड्रन देयर. सैंड क्रीक मसाकर में सेटलर यूरोपियंस ने औरतों और बच्चों की लाशें लपेट दी, इतनी लाशें थी कि आप गिन नहीं सकते. और ये लोग आपको बता रहे हैं कल्चर है ना. और भारत के जब एनालिस्ट कोट करते हैं ना कल्चर फैंसी, आपको बता दो भारतीय एनालिस्ट की इंग्लिश सुनकर यूरोपियंस को भी हंसी आ जाती है. पहली बात तो उनको लगता है गुलाम बात कर रहा है अंग्रेजी में, और फिर फनी एक्सेंट पर मजाक बनाते हैं हर जगह. तो दिस इज द कंडीशन. तो मेरा भारतीय एनालिस्ट से है, मैं अमेरिका में बैठ के आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आप भी हिंदी में बात करिए और वास्तविक इतिहास बताइए. दिस शुड बी पार्ट ऑफ द लिटरेचर फेस्टिवल. मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें ये सब चीजें मैंने लिखी हैं. लास्ट पढ़ता हूं फिर ये शो हम बंद करते हैं एपिसोड. वी वर ये मोतावतो टू द इंडियंस एट मेडिसिन क्रीक लॉज, वहां पे बात हो रही है. वी वर वंस फ्रेंड्स विद द वाइट्स, हम पहले गोरों के साथ दोस्ती रखते थे, लेकिन तुमने हमको बट यू नज्ड अस आउट ऑफ द वे बाय इंट्रिग्स. Why don't you talk and go straight and let all be well? आप लोगों ने हमको मोटिवेट किया लेकिन अभी आप चुप बैठ गए. ये अपने लोगों को बोल रहे हैं कि अब हमारी, मतलब कहने का मतलब ये है, अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती. वाइट्स की बात होती है गोरों की, तो गोरों का शब्द है इधर कौवा, कावा, कावा, नॉट कौवा, कावा. सो दिस इज द हिस्ट्री. मेरा लिटरेचर फेस्टिवल्स इंडिया में जहां भी हो, एंड इफ साइथोलॉजी ऑर्गेनाइजेस इट, वी विल डेफिनेटली पुट द नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री देयर, व्हिच नीड्स टू बी टोल्ड. दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड. और मैं जितना रिसर्च करता हूं उतना मुझे विश्वास हो जाता है कि क्रांचद्वीप या नॉर्थ अमेरिका हमेशा से सनातन राष्ट्र रहा है और हमको वापस उसी दिशा में जाना पड़ेगा अंत में जाके, जब सारे एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा. So thank you very much for joining. I hope you like the show. Namaste. Jai Jagannath.